हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल। दोस्तों, चारों ओर उत्सव, पूजा पाठ और त्योहारों का सीजन चल रहा है। लोग मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ इनका पालन करते हैं। खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए पूजा नित्य कर्म में शामिल है। लगभग सभी महिलाएं या लड़कियां सप्ताह में एक या दो उपवास जरूर रखती हैं, यानी कि व्रत जरूर रखती हैं और उनका नियम के साथ पालन भी करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्रत के बीच या फिर पूजा करने के बीच अगर आपको पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में आप क्या करें? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सामना हर रोज लगभग कितनी लड़कियां करती हैं। दिन भर भूखे रहकर सारे नियमों का पालन कर शाम के टाइम पूजा के समय अगर पीरियड्स आ जाएं तो जाहिर सी बात है मूड ऑफ तो होना ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी व्रत को कर रहे हैं या फिर आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको पीरियड्स आ जाएं तो आप उस समय इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, दोस्तों अगर व्रत के बीच या फिर पूजा करते समय को पीरियड्स आ जाएं तो आपको अपना उपवास यानी कि व्रत तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कहीं घर में रहने की जरूरत है। आप ऐसे में बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ में दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करके जैसे कि आप सामान्य दिनों में करती हैं वैसे ही करें। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जितना कि बाकी दिनों आपको व्रत का फल मिलता है या फिर पूजा का फल मिलता है। ये प्राकृतिक का चक्र है, इसमें इंसान का कोई हाथ ही नहीं होता है और ना ही इसमें कुछ गलत है। इसलिए आप टेंशन फ्री होकर पूजा कर सकती हैं। नंबर दो, किसी भी कार्य या इच्छा के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ होता है। शरीर तो एक महज जरिया है, इसलिए पूरी मन और श्रद्धा से माहवारी यानी कि पीरियड्स के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानून का पालन कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।